लगाओ इसके दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर पे कॉल। उसके सामने ही इसने हम पर हाथ उठाया था ना, तो उसके सामने ही इसकी कटाई होगी। बुलाओ उसको भी इधर, लगाओ 100 नंबर पे कॉल। जी जी सुल्तान भाई। और उससे साफ साफ कह देना चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खाली हाथ आना है इधर। अगर उसने नेक भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो उसका दोस्त भज्जी जिंदा नहीं बचेगा, तो कह देना खाली हाथ ही आना है इधर। हेलो हेलो धनवा स्पीकिंग। या स्पीकिंग अपनी गांड नोट से ले, अगर अपने दोस्त भज्जी को सही सलामत देखना चाहता है तो नाले के पीछे वाले चौक के नीचे दुकान के पीछे आ जा। तेरा दोस्त भज्जी अब हमारे कब्जे में है। हो ही ना सके ऐसा, मैं मान ना सकूं यह बात, अब तुम जैसे लोड़ू चंद के कब्जा में आ जाएगा। भूल गई क्या बुरी तरीका से मान लगाई तुम तीनों लोगों ने। अरे ये सुल्तान की गैंग है, तुझे अभी कुछ नहीं पता ये क्या से क्या कर सकती है। अगर अपने दोस्त को सही सलामत देखना चाहता है, जो मैंने एड्रेस बताया है तुरंत उसे एड्रेस पे पहुंच। अगर भज्जी तुम्हारे पास है तो आवाज सुनेंगे बाकी। सुल्तान भाई इसके दोस्त को लग रहा है हम इसे पकड़ नहीं सकते। अरे ओ भज्जी जरा अपने दोस्त धनुआ को अपनी आवाज सुना रे। अरे धनुआ यहाँ पे आने की कोई जरूरत ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन मादर चोदन ने भी ठिकान लगा के आऊँ, मैं घर पे ही काय को टेंशन ले रहा हूँ। यहाँ पे आने की कोई जरूरत ना। अब तो सुन ली अपने बांध कफन अपने सर पर धनुआ, देखो आतंकवादियों को मारने चला, क्या बात है। ए, क्या बात है सर, आज तो बड़े अपने नाम के गाने बनाए जा रहे हैं। रे मैं अपने नाम के गाने बना ना रहा, बल्कि मैं अपने नाम के गाने तुम्हें सुना रहा हूँ। अगर बाय चांस मैं कई आतंकवादी मारते वक्त शहीद है गो, तो तुम यह गाने बजवाइयो जो मैं गा रहा हूँ। कोई एरा गेरा नथु गेरा गाना मत बजवा दियो, जो मैं गाना गा रहा हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही गाना बजवाइयो जो पता चले कहाँ यू धनुआ नाम को लड़का जो जो आतंकवादी मारते वक्त खत्म है गो। लोग मारने भी तो पता चलना चाहिए कहाँ यू धनुआ नाम का लड़का कितना खतरनाक हो। बहुत बहुत बढ़िया पुलिस इंस्पेक्टर हो, याने अपनी नेक भी अपनी जान की परवाह न करी, यूं ही आतंकवादी ते भिड़गो जाके। बहुत बहुत खतरनाक लड़का हो, बहुत बहादुर हो, ऐसे तारीफ हो मेरी। तो यही मारे मैं पर्सनली तुम्हें यह गाने सुना रहा हूँ जो जो तुम यह गाने बजवा सको, समझे। अच्छा सर फिर ठीक है। वैसे सर मुझे बहुत खुशी हुई है जो तुम पुलिस इंस्पेक्टर बने। सर एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछा पूछा। तुम्हारा नॉर्मल लड़का थे पुलिस इंस्पेक्टर तक को सफर कैसा रहे हो, यह बात बताओ मेरे को तुम। जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर ना हो ना, मैंने इतनी मेहनत करी है पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए, इतनी मेहनत करी है तुम पूछो मत मैंने कितनी मेहनत करी है। अगर मेरी जगह कोई और हो तो ना, तो वो कब को हार मान ले। तो हाँ मैंने इतनी मेहनत करी है दिन रात, ना खाना खावे हो ना पानी पीवे हो, एक तरीका से मैं किताबन में ही घुसो रह गए। हाँ मैं यूँ सोचता रह गया मैं कैसे बनूं पुलिस इंस्पेक्टर, कितनी मेहनत करूं कितना पढ़ू, हरदम मेरे दिमाग में यूँ ही चलता रह गया। हाँ पर मुझको विश्वास हो, पूरा विश्वास हो कि एक दिन मैं बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं मेहनत ही वह हिसाब से कर रहा हूँ। पर मेरी वह मेहनत देख के आस पड़ोस के इतना मजाक उड़ावे, मेरा इतना मजाक उड़ावे, यो कहे देखो सुबह सुबह उठ जा दौड़ मारने चलो जा, यू बनेंगे पुलिस इंस्पेक्टर, खामखा सड़क करने तोड़ रहा है। पर मैंने हार नहीं मानी, मैं उनकी बातों को इग्नोर मारता गया और अपनी मेहनत अपनी लगन की बदौलत आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना। अरे कहीं इन्हें मेहनत ना करी, ये तुक्का बन गए पुलिस इंस्पेक्टर। इनको दोस्त खुद बता रहा है ये तुक्का बने पुलिस इंस्पेक्टर। मैंने हार ना मानी के हार ना मानी। ओए ऐसो तेरी यार सुल्तान पनीर निकालने में ज्यादा टाइम ना लगेगा मुझको, तो शांत बैठो। तुम्हारा वो भज्जी नाम का दोस्त ने बता रहा है तुक्का बना पुलिस इंस्पेक्टर, कोई मेहनत ना करी है यहाँ। ऐसा ना मारेगा तू, बता आऊ अंदर का दोस्त बता रहा हूँ ना, दोस्त बता रहा हूँ। हमें तो आपका जवान ना लेकर जानी चाहिए, चुप बैठ जा कहीं कोने में जाके, नहीं सुल्तान बना दूंगा तो अभी खत्तो। यहाँ पे हमारी बातन पर ध्यान मत दे, कहीं कोने में जाकर चुप बैठ जा, वही मैं तेरी भलाई है, नहीं अभी बना दूंगा तुम सुल्तान अगर मैं यह कुर्सी पे उठो। ए भाई शांत बैठोगे या तुम ना बैठो, के आऊ अंदर अभी। अरे महिला शांत है, हम शांत है, अंदर आने की कोई जरूरत ना। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो मैंने बाहर सुनी कही, कही तुक्का ते बने पुलिस इंस्पेक्टर। अरे दंगा लोग डंडा उठा कर ऐसा शांत ना बैठेगा, दंगा डंडा दी ना उठा के यहाँ की अभी गाड़ा लाल करके आऊँ, दंगा डंडा उठा के। अरे महिरा सर महिरा तुमने बहुत मेहनत करी है, हाँ बहुत मेहनत करी है, मैं कुछ ना बोल रहा हूँ महिरा, तुम महिरा यहाँ आने की कोई जरूरत ना, बहुत बहुत मेहनत करी है तुमने। हाँ काई ने आज तक इतनी मेहनत ना करी होगी जितनी तुमने करी है। हाँ बहुत बहुत मेहनत किया तुम सर, वहीं पे रहिए, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, आवाज मत लगाड़ दी आपके। तो यही मारे मैं आज यह मुकाम पे हूँ, हाँ यही मारे इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर बनूँ आज मैं। हाँ सर मैं जानू बहुत मेहनत करी होगी तुमने। अरे राजू तेरे को नहीं लग रहा सुल्तान भाई कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में दिखे। अरे ना जगीरा मेरे को लग रहा है सुल्तान भाई को जोर से टट्टी लगी है, इसीलिए इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहे हैं।
और जो यू नए पुलिस वालों बनो का यू सुल्तान को इतनी जल्दी टट्टी कराएगा ना, क्योंकि वाह पता यू सुल्तान कितना खतरनाक है, भाग भी सके यहाँ से, तो यही मारे सुल्तान को लेटरिंग ना कराएगा इतनी जल्दी। तो यही मारे सुल्तान भाई सोच रहे हैं मैं का करूँ, कैसे अपनी लेटरिंग रोकूं। तो कैसे पता यू बात क्या सुल्तान भैया टट्टी लगी है, यही मारे इतने चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सके कि सुल्तान भैया जेल में तो भागने की प्लानिंग बना रहे हो, कैसे भागो जाए यहाँ से। अरे जगीरा मैं जानू सुल्तान भैया टट्टी लगी है, यही मारे तेतु चक्कर लगा रहे हैं। बचपन में जहाँ पे मैं रहे ना वहाँ पे 9-10 सरकारी लेटरिंग ही, तो मैं सुबह सुबह वहीं पे लेटरिंग करने जा रहे हो, तो मुझको भी ऐसी लेटरिंग के बाहर इतने इतको चक्कर लगाना पड़ेगा कि कब यहाँ पे आदमी लिख रहे और मैं कब लेटरिंग में घुसूं, समझो। तो यही मार मैं विश्वास के साथ कह सकूं सुल्तान भैया लेटरिंग लगी है। सुल्तान भाई हम तुम्हारे बारे में बात ना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार जेल में तो कैसे भागो जा, हाँ कैसे जल्दी फरार हो जेल में थे, हम यहाँ के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं। तुम्हारी कसम सुल्तान भाई, सही सही कह रहा हूँ मैं जगीरा? अरे सुल्तान भाई राजू बिल्कुल सही कह रहा है, हम आपस में यही डिस्को कर रहे थे कि कैसे जल्दी जेल में से फरार हुआ जाए। उसे डिस्को नहीं डिस्कस बोलते हैं। हाँ राजू भाई वही डिस्कस। तू इधर आ, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा है? जिसने करी सुल्तान भाई की चुगली, समझो उसकी गाड़ में उंगली। तुम्हें पता है सुल्तान को कोई ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकता, सुल्तान सलाखों के पीछे रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, सुल्तान दुनिया को अपने जूतों के नीचे रखना चाहता है, जूतों के। और इसके लिए सुल्तान कुछ भी कर सकता है। इस चार दीवारी के पीछे सुल्तान ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, देख लेना तुम। सुल्तान द गैंगस्टर ज्यादा टाइम नहीं लेगा इस जेल से फरार होने में, देख लेना तुम दोनों। सुल्तान जब इस धरती पर राज करेगा तो ये पुलिस वाले सब अपने ही चमचे होंगे। आज ये हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये अपनी ही चमचागिरी करेंगे। ये सुल्तान का ओए ज्यादा मोहल्ला चल रहा तुम्हारा अंदर, शांत बैठ जाओ, नहीं वहाँ पे आके गांड पे इतना डंडा बजाऊंगा फिर बैठने के लायक ना रहोगे, अब के बाहर तक आवाज ना आ जानी चाहिए तुम्हारी। ए सुल्तान भाई अभी तो तुम बहुत जोश से में लग रहे, अब कैसे एक साथ ही शांत बैठे, डर गए का तुम यार नए पुलिस वाले से? तुम दोनों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जगह और वक्त हरदम एक ही आदमी का नहीं होता। अभी इस समय ना हमारी जगह है ना हमारा वक्त है, तो हमारी शांत बैठने में ही भलाई है, समझे। तो यहाँ मारे मैं तुम दोनों तो कह रहा हूँ अभी शांत बैठे रहो, अभी डॉन बनने में कोई फायदा ना, यू अंदर आगो ना तो गांव तो बहुत बजाएगा। सुल्तान समय और जगह देखकर वार करता है, तो इसलिए मैं तुम दोनों को भी समझा रहा हूँ, यहाँ जोश में नहीं होश में काम लेना पड़ेगा। अगर हमें इन सलाखों के पीछे से भागना है तो हमें इसके लिए प्लानिंग सजानी पड़ेगी। मेरे पास एक खतरनाक प्लान है, इधर आओ तुम दोनों। जी बस लास्ट कर सके तो कर सके, बस लास्ट एक और मान लो तो बस, हाँ एक और अपने मम्मी पापन के नाम को। कमॉन भज्जी कर सकता है तू, बस एक लास्ट बस एक कर सकता है भज्जी, कर सकता है तू, बस भज्जी एक और लास्ट, बस पुलिस वाले के नाम पे, हाँ पुलिस वाले बनने के नाम पे, हाँ बस लास्ट एक और मार सकता है तू, मार कमॉन भज्जी कमॉन। अगर पुलिस वाला बनो तो एक और मानो पड़ेगा तो पड़ेगा, हाँ एक और बस लास्ट कर सकता है तू भाई, बस लास्ट कर सकता है तू। सास की नसीब में नदी है पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी, एक लगोई ना पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के नाम पे। ए क्या बात है भज्जी बेटा, बड़े डोले सोले बनाए जा रहे हैं, अब कैसे एक दो महीना में तो कुछ जिम का शौक चढ़गो एक संग ही है, कैसे डोले बोले बनाने लगो, कैसे मेहनत सी करने लगो, अब का है गो बता तो सही मुझको, एक संग ही कैसे डंबल बम्बल घर में ला के रख लिए, कुछ तो चल लो तेरे दिमाग में है। हाँ कुछ तो चल लो बेटा, हाँ बता कहा चल लो तेरे दिमाग में। नहीं मैंने तो आज तक तू कभी डंबल उठा तो ना देखो, और तू जरूरत पड़ी ना डंबल उठाने की, तू तो ऐसी थूथ छेद देख आएगी, पर अब कैसे डंबल वंबल है। कुछ तो बात है बेटा, हमें भी बता दे क्या चल रहा तेरे दिमाग में। कुछ ना पापा, जो मेरा पहले तेरे को डोलाओ ना वो अब पता ना कैसे टेंशन के मारे 10 को ही रह गो है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डंबल वंबल उठा के दोबारा तेरे को ही करूँ यार। और अच्छा
अच्छा भी ना लगे ढील मतान सा शरीर, तो यही मारे मैं सोच रहा हूँ थोड़ी घर में जिम बिम सी मार लूँ तो शरीर थोड़ा ठीक ठाक है जाएगा। हाँ यही मारे पापा डम्बल वम्बल उठा रहा हूँ मैं। और कोई बात ना, मैं तो अपने शरीर को ही मोटा ताजी हेल्दी स्वच्छ बनाने के लिए ये डम्बल वम्बल ला कर रखे हैं घर में। पता ना कैसे दिन पर दिन शरीर ढपट तो जा रहा है, तो मैंने सोची ले डम्बल ही ला कर भर लूँ घर में। तो तेरा शरीर ढपरेगा ना, क्योंकि तो टेंशन लगी पड़ी है। मेरा दोस्त बन गया पुलिस वाला और मैं भी अभी घर में ऐसे ही पड़ूं जैसा पहले हैगा। वहां ने तो अपनी जिंदगी सुधार ली, पर मैं अपनी जिंदगी कैसे सुधार पाऊंगा, तो यह बात की टेंशन लग रही है। क्योंकि अब तेरी फूकी पड़ी है, तू सोच रहा होगा मेरा दोस्त तो बन गया पुलिस इंस्पेक्टर और मैं अभी ऐसी तेजी मरा रहा घर में। बेटा मेहनत करी वहां ने, मेहनत करी तेरे दोस्त ने, जब जाकर पुलिस इंस्पेक्टर बनो। अब तेरी तरह फालतू के काम ना करो, अगर डम्बल उठानो डम्बल उठानो डम्बल उठाने तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनता होगा। एक और बस भज्जी, एक और बस पुलिस इंस्पेक्टर बनने के नाम का एक और ऐसा ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर बना जाता होगा। अपने दोस्त धनवा जाकर पूछ कितनी दिन और रात एक करी होंगी वहां, तब जाकर पुलिस इंस्पेक्टर बनवा वो। ऐसा मोहब्बत जाने तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर ना बन जाए, तो क्या बस भज्जी लास्ट लास्ट मार दे और बन गए तो पुलिस इंस्पेक्टर। ऐसा डम्बल उठाने तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनते होंगे। चुपचाप या कबाड़े बाहर रख दे कमरा में तिलकार के, नहीं तेरा करवा दूंगा अभी तेरा का डोला हूँ। अब तू ही बता, मैं यहाँ तक गर्म ना हूँ तो क्या करूँ। यू कमरा में पड़ो पड़ो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाह रहा हो और मनी मन में कह रहा हो कि हाँ बस एक डंबल और मार दे पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा तू। हाँ एक डंबल पुलिस इंस्पेक्टर के नाम पर, ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर बनो यू घर में पड़ो पड़ो। क्योंकि यहाँ का दोस्त धनवा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया ना, तो अब यहाँ के भी चुल है रही है पुलिस इंस्पेक्टर बनने की। पर या को यू बात ही तो ना पता, वहाँ लड़का ने कितनी मेहनत करी होगी जब जाके वो पुलिस इंस्पेक्टर बनो। यू सोच रहा ऐसी हवा बज्जी में पुलिस इंस्पेक्टर बन गए वो, और मैं भी ऐसी हवा बज्जी में पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊँ। हवा बज्जी में बना वो पुलिस इंस्पेक्टर, वाने कहीं मेहनत न करी, कहीं दिन रात एक न कर दिया वाने पल पल के जो पुलिस इंस्पेक्टर बन गो। स्कूल में वाते दुगने लंबा लावे मेरे, हाँ क्लास में जब भी टेस्ट हो गया ना वाते दुगने लंबा लावे हर बार में। तुक्काते बनो पापा वो पुलिस इंस्पेक्टर, तुक्काते वाने दिन और रात मेरे दिन गुजारे ना की पढ़ाई में। किस्मत में होगी वाकी पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी, तब जाके मिल गई है वाकू। अगर कोई चीज किस्मत में हो गए ना, तो कोई आदमी मेहनत करे या ना करे तो वो ऐसी मिल जाए वाकू। तो किस्मत में ही वाकी वो नौकरी, वाने मेहनत मेहनत ना करिए, हाँ ऐसी बन गए वो पुलिस इंस्पेक्टर। पापा मानो मेरी बात, ऐसी कह में सब, जब कोई आदमी तरक्की कर ले ना तो सब ऐसी कह में तुक्का के लग गए हो गो, या ना कोई मेहनत करिए या ना कुछ ना करो, पता ना कैसा लग गई है सरकार नौकरी, सब ऐसी कह में। कोई आदमी की मेहनत ना देखे, हाँ यू सोचे कि हाँ यू तो ऐसी लग गए हो गो, तुक्का के लग गए हो गो, या ना कहाँ मेहनत करिए, यू तो पढ़ ही ना, सब ऐसी सोचे तेरी तरह। और वह तेरे दोस्त ये पता होगी कितनी मेहनत करी है वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए। ऐसा तू मेरा मूड मत चटका, सुनी तू जाने मत जाने दुनिया के बारे में, भाव दारो यहाँ के। ऐसा एड़े मत मुंह पर, नहीं कान पर लगा दूंगा तेरे, लगी कान पे। अब देख रहे हो पापा याकू, पापा का देख ले तू, कान पर लगा के दिखा आज। अब खुश है आज या की टांगन ना तोड़ दूंगा, बस यू घर पे आ जा आज या को पुलिस इंस्पेक्टर ना सीधा दरोगा बनाऊंगा दरोगा। हाँ मूड खराब करके रख रहा हो घर किन्ने के, बनगा तेरा दोस्त धनवा पुलिस इंस्पेक्टर, तू रहेगा ठलुआ। उरे अच्छी बात है, मेरा दोस्त धनवा पुलिस इंस्पेक्टर बन गो, मुझे दिल के खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं यह बात के ऊपर। और मेरे घर वाले यूँ समझ रहे हैं कि यू फुकरो बात है, फुकरो है वो पुलिस इंस्पेक्टर का बन गो, अब यू फुकरो है। मैं क्या यू फुकरूंगा धनवा ते, अब मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ तो डांट रहे पापा, और मैं कुछ करने की ना सोचूं फिर भी डांटे पापा, तो मैं करूँ का। शरीर भी तो हेल्दी होना चाहिए पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए, और पापा यहाँ सोच रहे हैं घर में पड़ो पड़ो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाह रहा हूँ, करूँ बहुत मूड खराब है। तो सर तुम्हारे लिए कुछ चाय पानी लेकर आऊँ? हाँ मेरे मुँह की बात छेल ली तुमने, हाँ जल्दी जाओ और एक कड़क चाय बनवा के लाओ, हाँ एक ना दो लेंगे तुम भी पियो मेरे संग बैठ के। ठीक है सर, ठीक है।
वह इंस्पेक्टर चाय लेने गया है, यही मौका है हमारा भागने का। कम से कम 10-15 मिनट में आएगा वो चाय लेकर, तब तक हमें इसे उल्लू बनाकर यहाँ से भागना है, समझे। मैं अब बेहोश होने का नाटक स्टार्ट करता हूँ और तुम्हें जोर जोर से हल्ला मचाना है कि देखो आकर सुल्तान भाई को क्या हो गया। और जैसे ही वो नया इंस्पेक्टर मेरे पास आए, फिर पता है ना तुम्हें क्या करना है। जी सुल्तान भाई, सब पता है हमें क्या करना है क्या नहीं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे, यही लास्ट मौका है हमारे पास। ठीक है सुल्तान भाई। लाइट कैमरा एक्शन। सुल्तान भाई क्या हो गया तुमको? सुल्तान भाई आगे खोलो। सुल्तान भाई क्या हो गया तुमको? सुल्तान भाई प्लीज आगे खोलो। अरे उठिए सुल्तान भाई, प्लीज उठिए, आगे खोलिए, प्लीज उठिए, आगे खोलिए। अरे कोई तो देखो आगे सुल्तान भाई को क्या हो गया, कोई तो आओ जल्दी आओ, प्लीज कोई तो आओ, पुलिस इंस्पेक्टर साहब। ए का है वो, कैसा हल्ला मचा रहे अंदर? अरे सर देखिए, अगर हमारे सुल्तान भाई को पता नहीं क्या हो गया है, ये बहुत देर से आगे नहीं खोल रहे हैं, देखो देखो अगर ये कहीं मर ना जाए। 2 घंटे से यह आंख बंद कर पड़े हैं, हमने इन्हें खूब उठाने की कोशिश करी है अब, पर लेकिन उठ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारे सुल्तान भाई को। मुझे लग रहा है टेंशन के मारे मर गए हमारे सुल्तान भाई। रुको रुको मैं देखूंगा आगे, अभी रुको। कब से आंख ना खोल रही हो? 2-3 घंटे से ऐसे ही आंख बंद है सुल्तान भाई की, हमने सोचा सुल्तान भाई सो रहे हैं, पर अब हमने इनको खूब उठाने की कोशिश करी पर अब उठ नहीं रहे हैं। पानी वानी ना तुम्हारी जेल में? इनके मुंह पर छींटा वीटा मार कर देख लो पानी की, कहीं उठ जा। हाँ है, बाहर रखो, बाहर ले गई है, जा ले गई है पानी। अरे यहाँ गेट पे ना रखो पानी, पलंग को कोने में को देखो जाके, उल्टे हाथ की तरफ देखो, उल्टे हाथ की तरफ वहां रखो होगा पानी। अरे क्या पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा रे तू? अरे ऐसे गुंडे लोग आदमी को तेरी तरह बाहर पानी लेने भेजते हैं क्या, बुद्धिहीन पुलिस इंस्पेक्टर? सही कह रहा है तेरा दोस्त, तूने कोई मेहनत वेहनत नहीं करी है पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए, तू तुक्के से बना है पुलिस इंस्पेक्टर, तुक्के से। अगर तू मेहनत से पुलिस इंस्पेक्टर बनता ना, तो ऐसे चूतिया पंती वाले काम नहीं करता, महामूर्ख आदमी। घूमना रहा है, मारेगा क्या मेरे को? है मारेगा? है आजा आजा मार, आजा आजा, सुल्तान से हाथ लगा, आजा। कहा था मैंने सुल्तान को कोई ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकता, सुल्तान सुल्तान होता है और चूतिए चूतिए होते हैं। सुना तूने चूतिए इंस्पेक्टर? आओ इस मूर्ख को छोड़ो, किसी और से भी बदला लेना है अभी। अरे भज्जी भाई आप यहाँ हो, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। एक बात बता पहले तुम लोगों, तुम तो सलाखों के पीछे तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? भाग के आए देखो जेल में थे। अरे भज्जी सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम जेल के अंदर से भाग सकते हैं कभी? वो भी धनुआ सर और बहुत सारे इंस्पेक्टर थे, उनकी आंखों के सामने से भाग सकते हैं हम जेल में से कभी? तो बाहर कैसे आए तुम? हमने जेल में सभी पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मांगी कि हम आज के बाद कभी कोई गुंडागर्दी नहीं दिखाएंगे, हम बिल्कुल शरीफ बनकर रहेंगे। हमने उनसे माफी मांगी, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम किसी से ना ही उल्टा बोलेंगे और ना कभी गलत काम करेंगे, तो धनुआ सर ने हमें माफ कर दिया। तो हमने जेल से लेकर कर सोचा क्यों ना हम एक मिठाई की दुकान खोल लें, तो हमने एक मिठाई की दुकान खोल दी, तो इसीलिए हम सबसे पहले आपका मुंह मीठा कराने आए हैं। लो खाइए ठंडे ठंडे रसगुल्ले। सच में दुकान खोलने के बजाय मुंह मीठा करा रहे हो तुम? अरे हाँ, अब हम शरीफ बन गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि अब हम एक मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, और फिर हमने खोल ली, इसलिए हम आपको समय पहले आपका ही मुंह मीठा कराने आए हैं। लो खाइए रसगुल्ले। सही है, बहुत बढ़िया करो तुमने, सुधर गए। नहीं नहीं कोई फायदा ना गुंडागर्दी करने में। हाँ बहुत बढ़िया करो तुमने दुकान खोल कर, ईमानदारी की जिंदगी जिया। हाँ हाँ भज्जी सर खाइए खाइए रसगुल्ला खाइए। ए मोगु चक्कर से काई को आ रहे, काम लाया तुमने रसगुल्ला में? बेहोश होने की दवाई। हाँ बेहोश होने की दवाई। तूने क्या सोचा हम इतनी आसानी से भोले आदमी बन जाएंगे? अरे सुल्तान नाम है मेरा, सुल्तान ना ही किसी के सामने झुकता है और ना ही किसी की बातों को भूलता है। मुझे नहीं लगा था तू भी हमारी बातों में इतनी जल्दी आ जाएगा। मुझ पर हाथ उठाकर अपने आप को बड़ा डॉन समझ रहा था रे तू, अब सुल्तान दिखाएगा डॉन कौन होता है, क्या कर सकता है डॉन। उठाओ इसे ले चलो अपने अड्डे पर। अरे धनवा सर कहाँ पर हो? मैं ले आया गर्मा गर्म कड़क चाय। अरे कहाँ पर हो धनवा सर? ये रहा यहाँ पे। अरे धनवा सर ये कैसे हुआ? वो तीनों मेरा चूतिया बना कर लेकर क्या? हाँ उनमें से एक ने बेहुसैन को बहाना करो, तो मैं जैसे ही अंदर घुसो तो वो बाहर लेकर गए और गेट लगा दिए। उनकी इतनी हिम्मत?
उनकी इतनी हिम्मत होगी हमारे सर का चूतिया बनाकर जेल में बंद करके चले गए। मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ करूंगा मैं खुद करूंगा। उसने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, अब जो कुछ करेगा धनवा ही करेगा। तुम इधर ही रखो, मैं अभी आता हूँ। लगाओ इसके दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर पे कॉल। उसके सामने ही इसने हम पर हाथ उठाया था ना, तो उसके सामने ही इसकी कटाई होगी। बुलाओ उसको भी इधर। लगाओ 100 नंबर पे कॉल। जी जी सुल्तान भाई। और उसे साफ साफ कह देना चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खाली हाथ आना है इधर। अगर उसने नेक भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो उसका दोस्त भज्जी जिंदा नहीं बचेगा। तो कह देना खाली हाथ ही आना है इधर। हेलो हेलो धनवा स्पीकिंग। या स्पीकिंग अपनी गांड मोड़ से ले। अगर अपने दोस्त भज्जी को सही सलामत देखना चाहता है तो नाले के पीछे वाले चौक के नीचे दुकान के पीछे आ जा। तेरा दोस्त भज्जी अब हमारे कब्जे में है। हो ही ना सके ऐसा, मैं मान ना सकूं यह बात, अब तुम जैसे लोड़ू चंद के कब्जा में आ जाएगा। भूल गई क्या बुरी तरीका से मार लगाई तुम तीनों लोगों ने। अरे ये सुल्तान की गैंग है, तुझे अभी कुछ नहीं पता ये क्या से क्या कर सकती है। अगर अपने दोस्त को सही सलामत देखना चाहता है, जो मैंने एड्रेस बताया है तुरंत उस एड्रेस पे पहुंच। अगर भज्जी तुम्हारे पास है तो आवाज सुनेंगे बाकी। सुल्तान भाई इसके दोस्त को लग रहा है हम इसे पकड़ नहीं सकते। अरे ओ भज्जी जरा अपने दोस्त धनवा को अपनी आवाज सुना रे। अरे धनवा यहाँ पे आने की कोई जरूरत ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन मादर चोदन ने भी ठिकान लगा के आऊँ, मैं घर पे ही काय को टेंशन ले रहा हूँ। यहाँ पे आने की कोई जरूरत ना। अब तो सुन ली अपने दोस्त की आवाज। एक बात बता तुम को, तू अपने आप को इतना बड़ा डॉन काय को समझ रहा हो, और तू कुछ ना मुट्ठी मारा से कुछ ना तो मेरे सामने। तू जितनी जल्दी समझ जाएगा ना यह बात है उतना अच्छा हो तेरे लिए। अब भला यही में तू चुपचाप मेरे हाथ पैर ने खोल दे। अगर तू अपनी हड्डी पसली ने ना तोड़वाना चाह रहा हो तो चुपचाप मेरे हाथ ने खोल दे। हाँ अगर यू मैंने अपने आप ही अपनी ताकत से रस्सी और डंडा तोड़े ना तो उतनी ताकत ही बाजेगा तो जितनी ताकत या रस्सी और डंडा तोड़ने में लगेगी। हाँ तो यही मार मैं तोते कह रहा हूँ, चुपचाप मुँह को खोल दे। चल अच्छी बात है तेरे में बेहोश कर दिया रसगुल्ला खवा के, बहुत अच्छी बात है, पर अब चुपचाप खोल दे मुँह को। सुल्तान बनेगा डॉन, सुल्तान बनेगा डॉन, सुल्तान का राज होगा इस धरती पर। इसीलिए तुम जैसों के दिमाग में भय बनाना बहुत जरूरी है। हमें ना पता है तुम्हें इतनी ताकत है, माफ कर दो सर, प्लीज प्लीज माफ कर दो, हमें जेल में ले चलो, प्लीज प्लीज जेल में ले चलो। हम भाई ठीक है, मारा मत पर, मारा मत, जेल में ले चलो। माधर चौदह भी खट्टा डॉन बनवा दूंगा तुम्हें। अरे वाह पुलिस इंस्पेक्टर साहब, कैसा सलाजित वलाजित मार के आई होगा, है तीनों ढेर कर दिए। मैंने तो पहली बार तुमने इतनी ताकत दे दी है, कहाँ पे आ गई तुमने इतनी सुपर पावर। अरे इन मादर चोदन ने मेरे बारे में थाने में इतना भरा बोला बोला तो मेरा पारा चढ़ गया। और मैंने सोची ना दिखाई दूं मैं कौन हूँ, सुबह से ढूंढ रहा हूँ इनको सुबह से, और इनने खुद बुला लियो मैं अपने ढिंग, बहुत अच्छा करा इनने। अच्छा अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है, चल अब खोल लो जल्दी।